बहू क्या कर रही हो? वो मैं आलू के पराठे बना रही थी राहुल के लिए। नहीं, तुम रहने दो। वो क्या है ना कि राहुल को बचपन से मेरी ही हाथ के पराठे बहुत पसंद है आलू के, तो मैं बना लूंगी। वो कहता है ना, माँ आपके जैसा स्वाद तो किसी के हाथों में नहीं आता है। तो तुम है ना एक काम करो, आलू के पराठे रहने दो। ठीक है, नहीं बनाती। बना दीजिए आपने। बहू सुनो, चाय बना रही हो क्या राहुल के लिए? जी मम्मी जी। वो मैं चाय बना रही हूँ। एक काम करना, उसमें ना अदरक के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना। वो क्या है ना कि बचपन से उसको ऐसे ही पीने की आदत है, वरना उसको चाय पसंद नहीं आती किसी के हाथ की। हाँ, कहता है मम्मी आप बड़ी स्वाद चाय बनाती हो। ठीक है, थोड़ा सा पाउडर डाल देना। ठीक है मम्मी जी। वो मैं सोच रही थी कि आज मैं लंच पे भिंडी बना दूं। क्या भिंडी बना रही हो घर माँ की? एक काम करो, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। वो क्या है ना कि राहुल को मेरे हाथ की पसंद है। वो थोड़ा सा अगर मसाला ऊपर नीचे हो जाए ना, और अगर अच्छे से क्रंची नहीं बने ना, तो वो खाता ही नहीं है, हाथ भी नहीं लगाता। वो क्या करूँ अब, बचपन से बस उसने सिर्फ मेरे ही हाथ की खाई है। ठीक है, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। ओके बेटा। ठीक है मुझे। बहू ये क्या, खाना कौन बनाएगा? कितना टाइम हो गया है, राहुल का टाइम हो गया ऑफिस से आने का। ये क्या लगा रहा? वो क्या है ना, वो बेचारे बहुत थक हार के आते हैं, दिन भर कितना काम करते हैं। सुबह 7 बजे से जाते हैं, रात में 8 बजे आते हैं, और फिर मैं बेस्वाद खाना बनाऊं जो उनको पसंद भी ना आए, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। मुझे लगा कि उनको ना सिर्फ मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद है, आपके हाथों में स्वाद है, इसलिए मैंने खाने नहीं बनाया। तो आज का डिनर, कल का लंच, ब्रेकफास्ट सब आप बना दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। क्यों फालतू में उनका स्वाद खराब करना। और आज ना वो डिनर में छोले भटूरे बनाने का बोल रहे थे, आप बना लीजिएगा अपने हाथ से। Hi, hope you liked the video. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates.